सबसे पहले जो है ना रॉ मटेरियल लिए जाते हैं ना, नेचुरल हम उसको बोलते हैं, जैसे वो डल्ला, डल्ला नमक भी होता है, उसको फिर हम तराश खराश करते हैं ये, तो उसमें से फिर जैसा पीस होगा ऐसे फिर वो आगे लैंप बनाए जाते हैं। इसके मुख्तलिफ कलर हैं, ये डार्क रेड भी है, पिंक भी है, लाइट पिंक भी है, और इसमें वाइट भी है। जो क्रिस्टल नमक है उसका हम पंजाब शीशा नमक भी बोलते हैं, और वो ट्रांसपेरेंट होता है। सबसे महंगा नमक वो है, वो थोड़ी मिकदार में निकलता है। हम लोग यहाँ पे सॉल्ट, लैंप्स, हैंडीक्राफ्ट, कुकिंग टाइल्स, उसके अलावा पिसा हुआ नमक लाइक सूजी, चीनी के साइज का, उससे बड़ा ग्रैनुलर कुकिंग टाइल्स, हर डिफरेंट साइजेस की वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसको डीलर्स तक पहुंचा रहे हैं। जो सर्कुलर है वो मशीन बेस्ड है, बाकी जो है कटिंग्स वगैरह, जो कार्विंग्स वगैरह हैं, वो सारी हैंडमेड है। पीसा हुआ नमक जो पिंक सॉल्ट जिसे कहते हैं, वो हमारा गया है यहाँ से सोरिया थ्रू शिपमेंट, हमारा यहाँ पे पहले बहरीन जाता है, फिर वहाँ से आगे सोरिया में जाता है। यहाँ की जो एक खेड़ा माइन से रिलेटेड जो हमारा सॉल्ट रेंज है, इट्स रियली ब्यूटीफुल, और इसमें जो डेकोरेशन पीसेज रखा गए हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे इतनी प्रोजेक्शन नहीं मिलती है, ना लेबर्स को, ना ओवरऑल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लेवल पे इसको प्रमोट किया जाता है। एंड आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि इस चीज़ को ज़रूर प्रमोशन मिलनी चाहिए, बिकॉज इसकी साइंटिफिकली और फिजिकली भी बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं।